हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रमिला, प्रमिला की रेसिपी में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए वेरी टेस्टी वेरी डिलीशियस रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कौन सी हमारी टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्यादा डिलीशियस रेसिपी, वेरी वेरी टेस्टी वेरी वेरी हेल्दी फ्रेंड्स। इस रेसिपी का नाम है ब्रोकली विद टोफू जैपनीज रेसिपी फ्रेंड। बनाने में बहुत ही मजा आता है फ्रेंड्स इसको, और खाने की तो फ्रेंड्स आप बात ही क्या कहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार डिलीशियस इस टोफू विद ब्रोकली की रेसिपी को फ्रेंड्स, जो हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा करती है और नॉर्मली भी आप इसको खा सकते हैं। बस जल्दी से देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा पानी गर्म हो चुका है, इसमें हम टोफू को ऐड कर देंगे और एक मिनट के लिए इसको हम गर्म पानी में अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को भी हमें हाई फ्लेम पर ही रखना है। इससे क्या होता है, टोफू जो होता है हमारा हार्ड होता है, और गर्म पानी में यानी कि बॉयल पानी में हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे तो टोफू सॉफ्ट हो जाता है और खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ये टोफू हमारा सॉफ्ट हो गया, इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं हम। इसको इस तरह से करेंगे जो इसका पानी होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसको यहाँ से फिर हम निकाल लेंगे और इसी पानी में हम अपनी ब्रोकली को ऐड करेंगे। हमें इसको 5 मिनट के लिए स्टीम करना है फ्रेंड्स। गैस की फ्लेम को भी हमें हाई फ्लेम ही रखना है, और इसको 5 मिनट के लिए जैसे कि हमने कहा इसको हम स्टीम कर लेते हैं, जिससे कि हमारी जो ब्रोकली होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और काफ़ी टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। ये बनाने में भी बहुत ईजी होती है। जब तक हमारी ब्रोकली स्टीम होती है तब तक हम अपने क्यूब्स कर लेते हैं टोफू के। ये एक वेट लॉस रेसिपी है फ्रेंड्स, और काफी हम इसको टेस्टी बनाएंगे, जो ऐसा नहीं लगेगा कि हमें वेट लॉस ही करना है और ये टेस्टी नहीं लगे। तब तक हम अपने दूसरा काम कर लेते हैं। हमें टोफू को थोड़ा सा रोस्टेड करना है। यहाँ पर 1 स्पून हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, आप चाहे तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमें ओवर कुक नहीं करेंगे, जिसे अच्छा सा टेस्टी बन जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। हमारी ब्रोकली भी फ्रेंड्स स्टीम हो चुकी है, अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। इसके पानी हम जो है उसको भी हम किसी भी वेजिस में या आटा गूंथने के काम में ला सकते हैं। हमने इसको 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसको निकाल देते हैं, और देखिए हमारा 1 स्पून में भी जितना ऑयल था सारा बच गया है फ्रेंड्स, और इसी में अच्छे से कुक भी हो गए। हम इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। 1 स्पून डालेंगे यहाँ पर हम गार्लिक, जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है फ्रेंड्स। रेड चिली फ्रेश एंड ग्रीन, इसको हम सौटे कर लेंगे अपने गार्लिक के साथ में। हमारी चिली हो चुकी है, अब इसमें हमने टोफू ऐड कर लिया है। हमने यहाँ पर ब्रोकली के जो फ्लोरेस्ट है फ्रेंड, उसके साथ साथ में जो उसका पीछे का पार्ट होता है हमने इसमें वो भी ऐड किया है। सबसे लास्ट वाला नहीं, जो इसके साथ में होता है वही, उसको हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है। अभी गैस की फ्लेम को हमने लो फ्लेम पे कर दिया। इसमें जाएगा टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, 1 स्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस। इनको हम मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को अभी हमने लो टू मीडियम रखा है फ्रेंड्स। टेस्ट अकॉर्डिंग ब्लैक पेपर पाउडर, 1 स्पून जाएगा इसमें एप्पल विनेगर, सेसमे सीड 1 टीस्पून, फाइव मिनट के लिए इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी ये टोफू और ब्रोकली की जापनीज रेसिपी फ्रेंड्स? बहुत ही मजेदार है। तो चलिए हमारी हो चुकी है रेडी, अब सर्व कर लेते हैं।
गर्मा गर्म फ्रेंड्स आप इसको राइस के साथ में खाइए, बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है फ्रेंड्स। आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो जरूर क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और ऐसी टेस्टी मजेदार न्यू रेसिपी के लिए आप मुझे फेसबुक पर भी फ्रेंड्स फॉलो कीजिए। तो फिर से मिलेंगे एक न्यू मजेदार रेसिपी, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।